संज्ञा किसे कहते हैं? सो आंसर इज संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका संज्ञा से रिलेटेड। तो संज्ञा के प्रकार या भेद, प्रकार या भेद, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकार का मतलब भी टाइप्स होता है और भेद का मतलब भी टाइप्स होता है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा जाता है, जैसे दिल्ली, जयपुर, ताजमहल संज्ञा उदाहरण लिए हैं। जातिवाचक संज्ञा में जाति या धर्म या जाति से रिलेटेड आपसे नहीं कहा गया है। जाति जिसे कोई पर्सन बच्चों को पढ़ाता है तो हमें उसकी जाति कैसे पता चलती है? अच्छा, वो कोई टीचर होगा। ऐसे ही वकील, अध्यापक और कवि हमारे सामने उदाहरण है। भाववाचक जिसमें हमारे भाव फीलिंग्स आती हैं, जैसे गुण, दोष, अच्छा बुरा होना या हंसना या रोना। समूहवाचक में समूह से रिलेटेड, जैसे कक्षा, कक्षा में बच्चों की काउंटिंग हम कर सकते हैं। अगर क्लास में कोई 40 बच्चे बैठे हैं तो हम उनकी काउंटिंग करके उसको अंकों को रिजल्ट में ऐड कर सकते हैं। परिवार, परिवार में कितने सदस्य हैं हम काउंट करके बता सकते हैं। सेना, सेना में कितने लोग हैं हम इनको बता सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा रिलेटेड होता है द्रव्य से, तेल, पानी, सोना, चांदी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।